स्मार्ट सिटी धर्मशाला प्रोजेक्ट के तहत ग्रिड सोलर पावर प्लांट योजना के अंतर्गत 342 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए शहर के 4 स्थानों में सोलर पावर प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं। इनमें क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय, खेल विभाग का इंडोर स्टेडियम, बस सामुदायिक भवन, कोतवाली बाजार शामिल है। बिजली बोर्ड से बिजली खरीदने की बजाय अपने कार्यालय की छत के सौर सिस्टम से तैयार होने वाली बिजली से 4 कार्यालय चलेंगे। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत पहला ऐसा कार्य है कि जिसे 1.59 करोड़ रूपए खर्च करके पूरा कर लिया गया है। अब मात्र शिमला से इलेक्ट्रिकल विंग से औपचारिक हरी झंडी मिलना बाकी है। इसके लिए स्मार्ट सिटी द्वारा अब इलेक्ट्रिकल विंग शिमला के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को पत्र लिखा गया है। अब वे धर्मशाला में पहुंचकर केवी को फाइनल करेंगे, जिसके बाद स्मार्ट सिटी में सूरज से बिजली को तैयार कर कामकाज चलाया जाएगा। इससे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बिजली की भी बचत हो सकेगी, साथ ही कार्यालयों को बिजली बिल का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। उक्त सोलर सिस्टम को शहर में बनाने के लिए 1.59 करोड़ की राशि का बजट खर्च किया गया है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड धर्मशाला के निदेशक एवं नगर निगम धर्मशाला के महापौर देवेंद्र जग्गी ने बताया कि धर्मशाला शहर में 4 महत्वपूर्ण भवनों में सोलर सिस्टम का कार्य पूरा कर लिया गया है और शिमला को पत्र लिख दिया है कि जिससे वह विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं वे बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं और ग्रीन एनर्जी को इसमें टेप करके ये सारे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा बोर्ड में भी सोलर पैनल लगाए गए हैं, इससे उन्हें 2 लाभ होंगे। पहला लाभ, जो भारी भरकम बिल आता था उसमें कमी आएगी। उन्होंने बताया कि जुलाई महीने की ही बात करें तो शिक्षा बोर्ड ने 1,70,513 रुपए दिए हैं, तो इसमें काफी कमी आएगी और साथ ही हम ग्रीन एनर्जी को टैप कर पाएंगे। प्रदेश सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करे। पिछले 6 साल से बंद किए गए SC चुनाव बहाल किए जाएं, ये मांग ABBP की प्रदेश इकाई ने उठाई है। वहीं ABBP ने 21 अगस्त से प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करने का भी ऐलान जारी किया है। ABBP के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि ABBP की प्रांत कार्यकारिणी की बैठक हाल ही में डाड में आयोजित की गई, जिसमें ABBP द्वारा उठाई जाने वाली विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। वहीं आगामी आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई है। बैठक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक सोलन में आयोजित किए जाने वाले प्रांत जनजातीय सम्मेलन और 3 सितंबर से 13 सितंबर तक प्रदेश में व्यावसायिक सदस्यता अभियान चलाने पर भी चर्चा की गई। राहुल राणा ने बताया कि प्रांत कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल करने, परीक्षा परिणाम की अनियमितताओं को दूर कर परिणाम शीघ्र घोषित करने, क्लस्टर विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण करते हुए इसी सत्र से कक्षाएं शुरू करने, केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण शुरू करने इत्यादि मांगों पर चर्चा की गई। वन विभाग द्वारा धर्मशाला सर्कल में इंडस रिवर बेसिन मैनेजमेंट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वन विभाग सर्कल धर्मशाला के कंजर्वेटर DR कौशल एवं वन्य प्रमाणी विभाग के कंजर्वेटर प्रदीप ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और शिक्षण संस्थानों के प्रवक्ताओं ने भी हिस्सा लिया। कंजर्वेटर वन विभाग DR कौशल ने बताया कि भारत सरकार की ओर से वर्ष 2016 में एक DPR तैयार की गई थी, जिसे FRI देहरादून ने तैयार किया था। कंजर्वेटर ने कहा कि नमामि गंगा परियोजना की सफलता सामने आई तो ICFRI ने 13 नदियों का चयन किया है। उन 13 नदियों में से 9 रिवर बेसिन है। उनमें से 5 नदियों का काम SFRI शिमला को DPR बनाने के लिए कर दिया गया है। इसी चर्चा के मद्देनजर धर्मशाला में वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया। उन्होंने बताया कि DPR के लिए डाटा एकत्रित किया जाएगा, जिसके लिए वर्कशॉप में भी सभी NGO और विभागों को बुलाया गया था। रिवर बेसिन को इम्प्रूव करने के उद्देश्य से किस डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा, इसको तय किया जा रहा है। इसके तहत पूरे कैचमेंट का ट्रीटमेंट होगा और जिस भी विभाग के जो कार्य होंगे उसकी DPR तैयार करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के उपक्रम यूको बैंक के 65 शाखाओं के शाखा प्रबंधकों के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला पालमपुर में आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य शाखा स्तर पर नव विचारों का सृजन एवं विचारों का विश्लेषण करना था। इस आयोजन का प्राथमिक लक्ष्य बैंकों के राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ साथ शाखा स्तर पर शाखा प्रबंधकों के विचारों का सृजन, सामंजस्य तथा भागीदारी सुनिश्चित करना है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दिए गए त्रिआयामी परामर्श प्रक्रिया के अधीन प्रथम चरण में नरेश कुमार महाप्रबंधक प्रधान कार्यालय कोलकाता की अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दिए गए 8 विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विचारों का संकलन किया गया। शिमला में भी इस तरह से कार्यशाला का 22 से 23 अगस्त को आयोजन किया जाएगा। यूको बैंक प्रधान कार्यालय कोलकाता के महाप्रबंधक नरेश कुमार ने कहा कि सरकार की ये योजना है कि बैंकिंग कार्य प्रणाली को जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं उनको बैंक के साथ कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि बैंक को ये समस्या आ रही है कि वह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहे हैं। यूको बैंक के धर्मशाला जोन के 65 शाखाओं के प्रबंधकों की कार्यशाला में सरकार के 16 बिंदुओं के ऊपर विचार विमर्श किया गया और सुझाव और सिफारिशें होंगी और जो भी सुझाव और सिफारिशें होंगी उनको केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। यूको बैंक उप महाप्रबंधक सत्यपाल सिंह कलसी ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश की तरक्की के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनका सीधा आधार आम आदमी से जुड़ने का है और इस तरह की कार्यशाला पूरे बैंकों द्वारा पूरे भारतवर्ष में की जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री को ये पता लग सके कि नीचे के स्तर पर कहां कमी आ रही है ताकि वो निर्देश दे सके और जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, जिसमें बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए बैंकों को जमीनी स्तर का कार्य करने को दिया गया है और 22 अगस्त को शिमला में बैंकों की एक और बैठक होगी और उसके बाद आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी बैंक प्रमुखों की एक बैठक होने की भी संभावना है। बैंकों को ये अवसर दिया गया है ग्राउंड लेवल पे कार्य करने का। कोई बैठक भी होने वाली है प्रधानमंत्री के साथ? अभी वो होगी, अभी यहाँ इसके बाद जैसे कि महाप्रबंधक साहब ने बताया कि पहले अभी 22-23 को इसके बाद स्टेट लेवल पे होगी, हर स्टेट की होगी। अभी तो सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रही है तो वहाँ पे स्टेट लेवल में हमारे सीनियर और अधिकारी MD साहब भी मौजूद रहेंगे। वहाँ से उसके बाद प्रधानमंत्री का हो सकता है इस महीने के अंत में या आगे आने वाले और 2-4 दिन बाद एक शेड्यूल बनेगा, उसमें हर बैंक के MD और CEO साहब को पॉसिबली बुलाकर उनके साथ सारी चीज़ ये डिस्कस की जाएगी पूरे इंडिया की, जो डाटा आएगा और वहाँ पे नई नीतियाँ आगे बनेंगी।